going to discuss how to check the LD and LI. LD means linear dependence and LI means linear linear independence. आपको पता होगा linear combination का दो types होते हैं, पहला LD होता है फिर LI होता है. तो सबसे पहले अभी इस चीज समझें कि जो LD और LI होता है वो हम लोग दो method से check करते हैं. एक algebraic method, एक होता है matrix method. आपको जो है matrix method बहुत easy होता है, इसलिए हम आपको बोलेंगे इस method से बनाइए. क्योंकि algebraic method में आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, A1, A2, A3 मतलब इसका वैल्यू, फील्ड का वैल्यू निकालना पड़ता है. तो आपको जो है हम इसलिए प्रीफर करेंगे कि आप मैट्रिक्स मेथड से आप बनाएं. आप लीनियर कम्बिनेशन भी मैट्रिक्स मेथड से चेक कर सकते हैं. हम आपको बता रहे हैं कि मैट्रिक्स मेथड से कैसे चेक करेंगे. तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे, इसमें अगर आप चेक करते हैं अल्जेब्रिक मेथड, सबसे पहले तो इनपुट वेक्टर, वेक्टर पता होगा आपको दिया हुआ रहेगा, V1, V2, V3 आपका दिया हुआ रहेगा. और आपका आउटपुट में क्या निकालना है आपको, ये V1 V2 को आपको चेक करना है कि वो LD हो और LI है. वो डिपेंड किस में ऊपर करता है, स्केलर के ऊपर. अगर आपका सारा स्केलर, आपको क्या बोले थे कि एक आपको n स्केलर लेना है, मतलब n स्केलर का मतलब फील्ड जितना वेक्टर आया उतना उसका स्केलर लेंगे. और उसके बाद वो स्केलर कहाँ से आता है, फील्ड से आता है. उसके बाद हम लोग लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं, A1 V1 A2 V2 प्लस A n Vn तक लिखेंगे. ये तो लीनियर कम्बिनेशन हुआ. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. सॉल्व द सिस्टम टू फाइंड द वैल्यू. अब सारा वैल्यू फाइंड करेंगे, A1 A2 A3 A4 का वैल्यू हम लोग जिस मैथड से फाइंड करें, इक्वेशन मैथ जो भी हो उसको फाइंड करेंगे. अगर सारा वैल्यू जीरो हो जाए, A1 का वैल्यू जीरो, A2 का वैल्यू जीरो, A3 का वैल्यू जीरो, तो आपको समझ जाना वो LI होगा. ठीक है, वो क्या होगा, LI होगा. और अगर आपका उनमें से कोई नन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपका कोई भी एक कम से कम A1 जीरो नहीं हो, A2 जीरो नहीं हो, या A3 जीरो नहीं हो, और फिर भी पूरा वैल्यू जीरो आ जाए, तो आपको समझना है क्या, वो क्या होगा, LD होगा. और इसमें आपका पूरा स्केलर ही जीरो आएगा. और इसमें क्या होगा, टोटल मैग्नीट्यूड तो जीरो आएगा लेकिन उसका जो स्केलर होगा वो आपका नन जीरो होगा, एक कम से कम नन जीरो होगा. ये तो आपको हम बताए. नेक्स्ट, लिनियर डिपेंडेंस एंड लिनियर इंडिपेंडेंस, ये पहला एल्जेब्रिक मेथड जो आपको डिस्कस कर चुके. अगला है मैट्रिक्स मेथड. तो मैट्रिक्स मेथड में समझे क्या होगा. स्टेप नंबर वन है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए. हम लोग एक मैट्रिक्स को, हम लोग ए को हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे राइटिंग द गिवन वैक्टर्स इन कॉलम. मतलब आपको जो फैक्टर दिया हुआ रहेगा उसको कॉलम में लिखना है. कॉलम का मतलब आप समझे, यहाँ पे कॉलम का मतलब ये आपको पता होगा, ये मैट्रिसेस अगर होता है तो इधर क्या कहते हैं, मैट्रिसेस का रो कहते हैं. इधर क्या कहते हैं, रो. इधर वाले को क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे. ठीक है, तो अगर आपको फैक्टर दिया, सपोज ऐसा फैक्टर दिया, मान लेते हैं V1 इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 3 4. तो आपको लिखना कैसे है मैट्रिसेस में, इस तरह करके, इसको इधर सीधा नहीं लिखना है, 1 2 3 4. अगर V2 का वैल्यू कुछ दूसरा दे दिया, V2 का वैल्यू मान लेते हैं 5 6 7 8, तो आपको लिखना पड़ेगा 5 6 7 8. ठीक है, तो आपको सिर्फ कॉलम में लिखना है, वो आपको स्टेप नंबर वन बताता है. जो भी फैक्टर होगा उसको कॉलम में लिखना है. नेक्स्ट, स्टेप टू, रिड्यूस इन द रो एसोलन फॉर्म. रो एसोलन फॉर्म का मतलब होता है कि आप इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और उसको चेंज करेंगे आपका रो एसोलन फॉर्म. रो एसोलन फॉर्म का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 1 0 0 0 1 जैसे होगा, मतलब एक टर्म के बाद पूरा जीरो आ जाना चाहिए. फिर दूसरा टर्म अगर आया जैसे कि आपका ये 2 3, तो इसके नीचे जीरो आ जाना चाहिए. जैसे 4 5, ये आपका जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ जाए 6, ये इस टाइप के आपको चेंज करना पड़ेगा. और चेंज करने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रैंक निकालना पड़ेगा. यहाँ पे ये जो होता है उसको हम लोग रैंक करते हैं. ठीक है, रैंक निकाले, रैंक निकालने का बहुत सारा मेथड होता है. तो आपको सबसे इजी मेथड जो होता है रो एसोलन फॉर्म होता है, तो आप रो एसोलन फॉर्म से ही निकालेंगे. यहाँ पे ऐसे मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो गया यहाँ से आपका. यहाँ पे जो है एक नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आपका जितना रैंक आया अगर उतना ही उसका कॉलम हो उस मैट्रिक्स का, तो आपको समझना LI होगा. नंबर ऑफ कॉलम्स जितना होगा और अगर उतना ही उसका रैंक आ जाए तो LI होगा. और अगर नंबर जो रैंक होगा, जितना रैंक आया उसका, अगर उसे रैंक जो होगा कॉलम से कम है, मान लेते 4 कॉलम है, रैंक किसका 3 आ गया, तो आपको समझना वो क्या होगा, LD होगा. ये समझना पड़ेगा आपका ये रैंक. और रैंक का आपको पता होगा आपको निकालने के लिए, आपको रॉन्ग रैंक के लिए कैसे निकाला जाता है. रैंक का मतलब ये होता है जैसे कि आपको एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, एक मैट्रिसेस दिया होगा तो उसका नंबर ऑफ नन जीरो रो होता है. ठीक है, अगर जितना नन जीरो रो होगा उस मैट्रिक्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं. जैसे सपोज ये देखिए आप, 4 3 2 5 6, ये आपका 8 है, ये आपका 3 5 4 0 0 0. अब देखेंगे आप इस मैट्रिसेस कितना ऑर्डर का है, 1 2 3 1 2 3 4, पहले रो लिखेंगे तो 4 × कितना है, 3 का. इस मैट्रिसेस का ज़्यादा से ज़्यादा रैंक कितना हो सकता है, 4 हो सकता है.
चार से ज्यादा रैंक इसका नहीं हो सकता। अब हम लोग देखेंगे रैंक कैसे निकालेंगे। अब रैंक निकालने के लिए क्या होता है, आप पहले से भी रो एशलन फॉर्म में है तो रैंक इक्वल्स टू क्या होता है, रैंक इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है, कितना नॉन जीरो रो है। तो आप देखें ये भी नॉन जीरो, इसमें नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये तो आपका जीरो, ये तो नहीं लेंगे हम लोग। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, अगर मान लेते हैं ये ए है, इस मैट्रिक्स का रैंक जो हुआ रैंक कॉपी इक्वल टू कितना आ गया, थ्री आ गया। अब समझे कि रैंक इक्वल टू थ्री आ गया, ठीक है। अब कॉलम कितना देखें यहाँ पे, कॉलम कितना, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है आप देखें यहाँ पे, नंबर ऑफ, एक एग्जाम्पल दिए हुए हम, ये आप इसको हम डायरेक्ट आप नहीं समझे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना आ गया, थ्री। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन अप्लाई करें, आपको क्या बोले थे कि अगर रैंक और कॉलम दोनों इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल आ गया, कॉलम भी है कितना तीन और रैंक भी कितना आ गया, तीन आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, एल आई होगा, ठीक है। और अगर इससे कम होता तो वो क्या होता, एल डी होता। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कैसे इसको बनाएंगे, आपको हम भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको मैट्रिसेस से, सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग चेंज करेंगे रो एशलन फॉर्म में, ताकि उसको हम लोग अच्छे से क्लियर हो जाए। और कैसे उसको चेंज करेंगे हम क्वेश्चन एक आपको बता देते हैं, इसमें तीन चार क्वेश्चन, तो आपको समझ में, आपको यही याद रखना पड़ेगा कि रैंक जो है कैसे निकाला जाता है। आपको नेक्स्ट क्लास में आपको रैंक के बारे में आपको बताएंगे मैट्रिसेस का रैंक में, सबसे पहले तो आपको ये समझ लें, आपको सिर्फ जनरली आपको चेंज करना है, रो ऑपरेशन करना है, और आपको इस तरह आपको चेंज करना है, अगर वो आपका दोनों इक्वल हो जाए तो एल आई होगा, अगर रैंक अगर कम हो जाए तो वो होगा एल डी होगी आपका। हम एक आपको ये एग्जांपल बता ओके, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर वन आपको बता रहे हैं, आपको डिटरमाइन करना है व्हाट वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स, ये वेक्टर दिया हुआ आपका, ये आपका एल डी है कि एल आई है। आप मैट्रिक्स मेथड से बनाएं, सबसे पहले आप मैट्रिक्स को कंसल्ट कर लें, आप एक मैट्रिक्स को कंसल्ट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू, आपको पता होगा आप क्या करेंगे, सारे वेक्टर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे। तो क्या होगा, पहला वन होगा, फिर टू माइनस थ्री, ये वन होगा, ये पहला हो गया, नेक्स्ट होगा थ्री, फिर सेवन, ये होगा वन, ये माइनस टू, और ये है क्या वन, ये है थ्री, ये है सेवन, ये है माइनस फोर। अब यहाँ पे बताएं ये रो कितना है, एक दो तीन चार, चार रो है, और कॉलम कितना है, तीन है। अब हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे समझें इसको कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना है, थ्री है, ठीक है। और नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू कितना है, फोर है। तो आप इस चीज़ को लिख लें एक बार, अब इसको फाइंड करें। अब देखें यहाँ पे ये वाला पार्ट को हम लोग आर वन कहते हैं, मतलब रो वन, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आर टू कहते हैं, ये वाला पार्ट को आर थ्री कहेंगे, और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, आर फोर कहेंगे। अब हम लोग को जीरो लाना है, ठीक है, ये वाले पार्ट में हम लोग जीरो लाएंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे वो देखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इधर वाला टर्म्स पूरा हम लोग जीरो ला रहे हैं, तो क्या होगा बताइए आप। सबसे पहले हम लोग आर टू का अगर ऑपरेशन करें तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर टू माइनस, माइनस क्या होगा, टू आर वन, ये लिखेंगे। और इसको आर थ्री, आर थ्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर थ्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर थ्री प्लस थ्री आर वन, ठीक है, थ्री आर वन। और आर फोर के लिए क्या करेंगे, आर फोर के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर फोर माइनस आर वन, ठीक है। तो ये हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप देखें आर टू में टू आर वन को घटाएंगे, मतलब इसको दो से मल्टीप्लाई करें फिर इसको हटा दे चले आप। हम पहले तो हम आर वन लिख रहे हैं, इसको ऐसे एज इट इज लिख देते हैं हम, इसको क्या ये वन थ्री वन, ये आर वन हम लोग ऑपरेशन नहीं किए हैं इसका, अब आर टू में ऑपरेशन किए, क्या किए हैं, इसको टू से मल्टीप्लाई करके घटाएं, तो यहाँ पे टू में टू जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या किए हैं, आर टू लिखेंगे, टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू थ्री जाए सिक्स, सेवन में सिक्स जाएगा कितना होगा, वन होगा। अगर फिर इसको यहाँ से हम लोग टू से मल्टीप्लाई किए टू, तो थ्री में टू जाएगा कितना हो जाएगा, वन। तो ये पाला हो गया। फिर हम लोग आर थ्री को कैसे लिखें, आर थ्री प्लस थ्री आर वन, तो आर थ्री तो ये है आपका है, और इसको तीन से मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया, तो तीन को मल्टीप्लाई करेंगे, तीन प्लस तीन माइनस तीन, क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। फिर इसको तीन, थ्री थ्री जाए नाइन, और वन क्या होगा, टेन होगा। फिर क्या होगा, थ्री वन जाए थ्री, और सेवन क्या होगा, टेन होगा, ये आपका आ गया। फिर आर फोर कैसे लिखे हैं, दोनों को घटा के लिखे हैं, तो घटाएं आप, घटाने पे क्या होगा, इसको ऐसा करें आप, घटाएंगे आप कैसे, आर फोर को लिखेंगे कैसे, आर वन माइनस आर फोर लिखते हैं, ठीक है, आर वन माइनस आर फोर, आर वन को आर फोर में घटाएं, तो ये क्या होगा, वन में वन जाएगा, क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फिर आप थ्री में टू, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस हो जाएगा, मतलब क्या होगा, थ्री टू फाइव हो जाएगा। फिर क्या होगा, वन प्लस फोर कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ये आपका एक ऑपरेशन किए तो ये आ गया आपका सारा जीरो जीरो आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे करेंगे, ये वाले टर्म्स में दस कॉमन ले लेंगे, ये वाले टर्म्स में पांच कॉमन ले लेंगे,
तो कितना हो जाएगा, बाहर अगर 10 और 5 अगर कॉमन कर लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं R3 को हम लोग क्या लिख रहे हैं 1/10 R3, और R4 को क्या लिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं 1/5 R4, ठीक है ये लिख रहे हैं हम। अब इसको हम लोग आगे चेंज करें, यहाँ पे क्या 1 3 1 1 0 1 1, ये हो जाएगा 0 1 1 0 1 1, अब ये आ गया ठीक है। अब इसको 10 से डिवाइड कर दिए, इसको 5 से डिवाइड कर दिए, अब हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, अब हम लोग R2 का ऑपरेशन कर, R2 का ऑपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग पहले R3 लिखेंगे, तो R3 कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं R3 को हम लोग क्या करेंगे R3 - R2 घटाएंगे, और R2 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे R3 हो गया, और R4 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे R4 - R2 करेंगे, मतलब ये दोनों को घटा घटा के लिखेंगे, क्या होगा बताओ, पहला तो वही होगा 1 3 1, और ये होगा 0 1 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो पूरा घटा के क्या 0 0 0 0 0 0, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे ये सारा टर्म्स आ गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे रोज रैंक जो होगा, रैंक कितना होगा बताएं, अब रैंक ऑफ ए, ये आपका ए था, इसको हम लोग ए लिए हुए थे, तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ नन जीरो रो। तो आप देखें कितना रो में नन जीरो रो, आप देखें कितना रो में जीरो पूरा नहीं है, ये इसमें पूरा जीरो इसको नहीं लेंगे हम लोग, इसमें पूरा जीरो नहीं लेंगे, इसमें देखिए नन जीरो रो है क्योंकि 0 1 1 नन जीरो रो आ गया, तो कितना है ऐसा 2 है, तो इसका मतलब इसको 2 लिख देंगे यहाँ पे, तो रैंक इसका 2 निकल गया, और कॉलम कितना है इसका, कॉलम कितना है नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स इसका दिए हुए कितना है, कॉलम्स इक्वल टू 3। तो अब यहाँ देखें रैंक जो है, मतलब रैंक जो है वो आपका कम आ गया, किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको समझना है क्या कि वो क्या इम्प्लाइज करेगा, आपको एलडी को इम्प्लाइज करेगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 देखें, ये आपका पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल दे दिया आपको, इसको एलडी और एलआई चेक करना है क्या होगा, आप देखें यहाँ पे क्या लिखा, डिटरमाइन वेदर द पॉलिनोमियल्स x³ - 5x² - 2x+3 x³ - 1 x³ + 2x+4 = एलडी और एलआई। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना पड़ेगा, तभी हो सकता है ये, क्योंकि ये आपका क्यूबिक है, तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस तरह लिखते हैं x³ - 5x² - 2x+3 = जो भी हो, कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या x³, अब यहाँ पे 2 टर्म मिसिंग है, कौन सा टर्म मिसिंग है, x² वाला टर्म, तो इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग 0x², फिर हम लोग x वाला टर्म भी टर्म मिसिंग है, तो क्या होगा 0x, लास्ट में क्या है -1। फिर जो है यहाँ पे देखें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं x², देखिए यहाँ पे जो है x² वाला टर्म मिसिंग है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 लिखेंगे 0x², और यहाँ पे क्या होगा 2x, और प्लस क्या होगा 4। अब सारे कॉफिशेंट ले यहाँ, और कॉफिशेंट लेके आप क्या करें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करें, तो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा इसका, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा इसका, देखेंगे यहाँ पे कि ये जो मैट्रिक्स है इसका जो कॉफिशेंट है, कॉफिशेंट क्या है आप देखेंगे यहाँ पे, कॉफिशेंट में जो होगा आपका सबसे इसका कॉफिशेंट होगा 1 - 5 2 3, इसको लिखेंगे सारे के कॉफिशेंट, तो ये क्या है आपका 1 है, -5 है, -2 है, और ये है 3 है। दूसरा का कॉफिशेंट क्या होगा 1 है, 0 है, 0 है, ये -1 है। तीसरा का कॉफिशेंट क्या है 1 है, 0 है, 2 है, ये 4 है। ये आपका कितना रो हो गया, 1 2 3 4 रो 4 कॉलम 3, ये आपका मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसको हम लोग रो एसलन फॉर्म में इसको लिखने वाले हैं, ये आपका रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, ये क्या है रो 4 है। अब आपको देखना क्या है, देखिए यहाँ पे देखना क्या है, ये सारा टर्म्स को जीरो करना है आपको, जो भी टर्म ये रहे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ही ना, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 1 है, 1 अगर हो जाता है तो हम लोग बहुत आसानी से इसको जीरो कर सकते हैं, ये वाला जो है ये 1 अगर हो जाए तो हम आसानी से सारा जीरो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी, आपको ये दिमाग में रखना है कि ये आपका 1 होना चाहिए आपका, ठीक है, जैसे 1 होगा तो आपका सारा आपका ये हो जाएगा। या तो आप एक ऑप्शन और भी है आपका, ये वाला टर्म को इधर कर सकते हैं, मतलब इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, जब इसको एक्सचेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे इस जगह 0 तीनों 0 चाहिए, ये हमको तीनों 0 चाहिए इस जगह, लेकिन यहाँ पे -5 2 है, यहाँ पे हमको 2 0 मिल रहा है, इसको हम लोग एक लाइन और एक लिख सकते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, क्या एक्सचेंज कर देते हैं हम लोग, ये वाले टर्म्स को एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पे C1 को हम लोग यहाँ इसको ये ले आएंगे, यहाँ पे ये लेंगे, तो ये इस तरह भी कभी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो हम लोग का जो बेसिक रूल है उसी रूल को हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे, बाकी 0 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे R2, ये क्या है R2,
आर टू को हम लोग जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पांच से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा क्योंकि माइनस है सिंबल में। तो हम लोग इसको ऐसा लिख देंगे फाइव इंटू आर वन प्लस प्लस क्या होगा फाइव इंटू आर वन प्लस आर टू, तो ये जीरो आ जाएगा। फिर देखिए अगर आर थ्री को लिखेंगे तो आर थ्री को देखेंगे कैसे लिखेंगे, आर थ्री के लिए हम लोग इसको यहाँ पे तीन दो है तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटू आर वन, अब फिर क्या हो जाएगा ये आ जाएगा फिर आर थ्री। अब इसको देखें यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे क्या होगा आर फोर इक्वल्स टू क्या होगा, इसको चार से मल्टीप्लाई करें फोर इंटू क्या होगा आर वन, और यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका आर फोर हो जाएगा। ये आपका ट्रांसफर ये किए इसको जैसे करेंगे ये पूरा आपका जीरो आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे थ्री से करेंगे ना तभी तो जीरो होगा, सॉरी यहाँ पे आपका थ्री आ जाएगा, ये थ्री आर वन क्योंकि यहाँ पे थ्री है इस चीज को ये देखना है। तो आप इसको देखेंगे आप पहला हम लोग अगर इसको लें ए इक्वल्स टू क्या देंगे, पहला टर्म्स में हम लोग देखेंगे क्या क्या इसका आने वाला है। अगर पहला तो रो हम लोग चेंज नहीं होने वाला, ये वन 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 है आपका है ही। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको पाँच से मल्टीप्लाई किए, सारे को पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग क्या करें ऐड करेंगे, तो फाइव इंटू वन फाइव, फाइव में फाइव जाएगा क्या होगा जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये फाइव हुआ ये फाइव हुआ, इसका मतलब यहाँ पे फाइव और ये क्या आ गया फाइव। नेक्स्ट अब इसको टू से मल्टीप्लाई किया, टू से मल्टीप्लाई करेंगे सारे को और जोड़ेंगे तो टू टू ये तो जीरो हो जाएगा आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा टू हो जाएगा इस जगह, और यहाँ पे हो जाएगा टू और टू क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। इसको टू से मल्टीप्लाई किया इसको जोड़े हैं तो टू फोर हो गया आपका। अगला में क्या है इसको तीन से मल्टीप्लाई किए हैं और उसके बाद इसको तीन से मल्टीप्लाई करके घटाए हैं तो यहाँ पे ये वाला टर्म्स क्या होगा जीरो हो जाएगा, और थ्री से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसको जोड़ेंगे तो थ्री और माइनस माइनस प्लस तो यहाँ हो जाएगा फोर हो जाएगा, और यहाँ पे थ्री और यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा फोर, तो थ्री में माइनस फोर हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए पहला पार्ट में हम लोग जीरो आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे ये सारे टर्म्स को भी हम लोग जीरो करना है। तो यहाँ पे देखें एक चीज़ आप ये वाला टर्म्स को हम लोग इसको वन बना सकते हैं, इसको हम लोग आर टू को क्या कर सकते हैं पाँच से डिवाइड कर सकते हैं, आर टू कल्ट लिख सकते हैं वन बाई फाइव आर टू ये लिख सकते हैं हम। अगला इसको भी हम लोग कर सकते हैं ऐसा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं आर थ्री को क्या लिख सकते हैं दो से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू क्या है आर थ्री। अब इसको डिवाइड कर ले आप क्या आएगा देखिए आप, तो ये आपका वन आएगा वन आएगा वन आएगा, ये आएगा जीरो आएगा वन आएगा वन आएगा, ये आएगा जीरो आएगा वन आएगा और टू आएगा, और ये तो एज इट इज हो जाएगा आपका। अब हमको चाहिए ये सब जीरो टर्म्स जीरो करना है आपको, ये हम लोग वन से डिवाइड किए तो पाँच फाइव से डिवाइड किए वन वन हो गया, इसको डिवाइड किए तो हम लोग क्या हो गया ये आ गया फोर माइनस वन आपका आ गया। अब यहाँ से ये जीरो करेंगे ये भी जीरो करेंगे हम लोग, तो कैसे जीरो करेंगे आप देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको अगर हम लोग जीरो करने के लिए इस टर्म्स को अगर जीरो अगर हम लोग करना चाहें तो जीरो करेंगे कैसे, तो इसको हम लोग वन से फोर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फोर से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा आपका। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं आर फोर इक्वल्स टू, आर फोर इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं हम लोग आर फोर इक्वल्स टू आर फोर माइनस माइनस क्या करेंगे फोर इंटू आर फोर, हाँ आर फोर इक्वल्स टू ये होगा फोर इंटू आर थ्री। आप इसको क्या करेंगे चार से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसके साथ इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आप देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वन आएगा वन आएगा वन आएगा जीरो आ जाएगा वन वन आ जाएगा, और ये आपका जीरो वन टू आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा आपका चार से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका चार आ जाएगा, चार में चार जाएगा जीरो हो जाएगा, और इसमें अगर चार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस टर्म्स को इसको, और फोर टू ज़ा एट माइनस ऊपर एट और माइनस तो माइनस नाइन हो जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा। अभी भी ये जो टर्म्स आया हुआ है मेरा जीरो नहीं आया है। अब हम लोग जीरो इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस टर्म को हम लोग जीरो लाने के लिए अब क्या करना देखें यहाँ पे, पहले इसको भी हम लोग एक टर्म को घटा लेते हैं यहाँ पे, एक टर्म और हम लोग एक ऑपरेशन कर लेते हैं, ये ऑपरेशन क्या कर लेते हैं देख लें यहाँ पे ऑपरेशन क्या लेते हैं आर थ्री, आर थ्री को हम लोग क्या कर लेते हैं आर थ्री इक्वल्स टू क्या होगा आर थ्री माइनस आर टू कर लेते हैं, ठीक है इसी में आ जाएगा। तो वन में वन जाएगा आपका क्या आएगा ये जीरो हो जाएगा, और टू में वन जाएगा कितना होगा वन हो जाएगा, ये पार्ट आ गया आपका। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ये वाला टर्म्स को हम लोग जीरो करना है, ये वाले टर्म्स को हम लोग जीरो करने के लिए क्या करेंगे पहले माइनस नाइन से हम लोग उसको हटा लेंगे, या तो इसको ऐसे डाइवी लिख सकते हैं आर फोर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं ये आपको लिख सकते हैं आर फोर प्लस नाइन इंटू आर थ्री, जैसे इसको करेंगे ये आपका जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा वन, ये आ जाएगा आपका वन वन जीरो वन वन, ये आपका जीरो वन, ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा आपका वन जीरो जीरो जीरो, यहाँ से तो आपका आ गया रो एसोलन फॉर्म,
ये आपका रो एसोलन फॉर्म आ गया। तो ये आपका देखे यहाँ पे कि कितना इसका नॉन जीरो रो आ गया, देखिए आप, तो नंबर ऑफ सॉरी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू, जो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, क्योंकि अब आपको आगे मिलेगा नहीं, क्योंकि आप घटाएंगे वन में वन जीरो, फिर ये वन यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब आपको इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, ये रो एसोलन फॉर्म ही होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो नॉन जीरो रो कितना है, देखिए नॉन जीरो रो एक दो तीन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका रैंक इसका कितना आ गया, तीन। और कॉलम कितना है, देखिए आप कॉलम कितना है, लिख दिए होंगे कहीं, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू आ गया थ्री है, तीन कॉलम भी आ गया, तीन रैंक भी आ गया। आपको पता होगा जब रैंक इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम आ जाए तो आपको वो जो होगा एल आई होगा, तो नंबर ऑफ ये कॉलम्स आ गया, तो ये आपका क्या इम्प्लाई करेगा, ये है एल आई। क्या क्या बचा, ये बताओ, ये बचा ना, इसी को बेसिस कहेंगे, इसका अगर बेसिस बोलेंगे, इसका बेसिस क्या हो जाएगा, बेसिस जो होगा पहला क्या आ जाएगा वन वन वन, तो दूसरा क्या होगा बताओ जीरो वन वन, और अगला क्या होगा जीरो जीरो वन, हो गया ना, हाँ बेसिस होगा। डायमेंशन कितना हो गया, कितना है इसका बताओ, नॉन जीरो रो, तीन, तो ये तीन हो गया।